आज हम देखने वाले हैं फेशन जॉइंट आर्थ्रोपैथी एक्सरसाइज, यानी आपकी कमर की एक समस्या, यानी आपके कमर का एक दर्द, जो कि हम बात कर चुके हैं कि यह आपकी MRI की रिपोर्टिंग में आपको नज़र आता है, यानी आपके रिपोर्टिंग में देखते हो आप फेशन जॉइंट आर्थ्रोपैथी की इसको समस्या हुई है। फ्रेंड, यह हमारा है सेकेंड पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज। और फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि आपको फेशन जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या कैसे हो सकती है, होने पर आपको कौन कौन से यहाँ पर सिम्टम्स नज़र आएंगे, उसके अलावा फ्रेंड कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इस तरह की समस्या पैदा होती है। उसके अलावा हमने बात करी वहाँ पर प्रिकॉशन, यानी होने पर आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, और साथ ही इसका मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर किस तरह से दिया जाता है। शुरू करते हैं फेशन जॉइंट आर्थ्रोपैथी एक्सरसाइज। फ्रेंड, जैसे कि कुछ केसेस के अंदर हमने बात करी थी अक्यूट स्लिप डिस्क, यानी स्लिप डिस्क के अंदर आपको फेशन जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या हुई है। फ्रेंड, यहाँ पर दोनों में एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको स्लिप डिस्क की समस्या हुई है उसको आपको सबसे पहले करेक्ट करना है। यानी जैसे कि आप आगे ही झुकते हो तो हमारा जो स्लिप डिस्क, यानी डिस्क है, तो पीछे की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से नर्व को इम्पिंज करता है और उसकी वजह से वहाँ पर पेन बनता है। अब सबसे पहले जैसे इसका बेड रेस्ट, यानी बेड रेस्ट करिए, यानी प्रोन लाइन बेड रेस्ट करके देखें कंफर्ट है, धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सटेंशन में चले जाएं, यानी एक दो पिले रख लें। तो कहने का मतलब आप सबसे पहले उसको करेक्ट करेंगे, उसके करेक्ट होने के बाद में फिर आप यहाँ पर फ्लेक्शन रिज्यूम एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि फ्रेंड, क्लिनिकली हमने कई पेशेंट देखे, कुछ लोग यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं, कुछ लोग जैसे कि योगा है तो उनको कोबरा पोज या कई तरह की एक्सरसाइज होती है उनको करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय वो प्रॉब्लम को बड़ा बैठते हैं। क्योंकि फ्रेंड, सभी की कंडीशन अलग है। जैसे कि बात करें अक्यूट स्लिप डिस्क, क्रॉनिक स्लिप डिस्क, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। पेशेंट की एज है, एक तो 20, एक 30, एक 40, एक 70, तो एज में भी डिफरेंस है। तो इसी तरह से यहाँ पर एज के अनुसार, वो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार यहाँ पर एक्सरसाइज डिजाइन होती है। फ्रेंड, शुरू करते हैं हमारी फेशन जॉइंट आर्थ्रोपैथी एक्सरसाइज। तो आप सबसे पहले लेट जाएं। लेट जाने के बाद में आप करेंगे सिंगल सिंगल पैर से, यानी सीने की ओर आपको टच करना है। सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन आपको लेनी है। इसको आप फ्रेंड शुरुआत में जैसे कि 5 सेकेंड, फिर देन रेस्ट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना है 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड किस तरह से, 1, 2, 3, इस तरह से आप 10 काउंट करेंगे, और ये करना आपको 10 टाइम। शुरुआत में 5 से स्टार्ट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको 10 काउंट वो 10 टाइम जाना है। इसके बाद में फ्रेंड, जैसे कि आपको कंफर्ट हो जाता है तो इसके बाद में दोनों लेगों को आपको अंदर की ओर खींचना है, और आप चाहे तो गर्दन को ऊपर की ओर ले सकते हैं, लेकिन वो आपके कंफर्टनेस के अनुसार। इसके बाद में फ्रेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी कैमल एक्सरसाइज। इसमें क्या करेंगे, आप कमर को ऊपर की ओर पुश करना है और गर्दन को नीचे की ओर। इसको 5 सेकंड से लगा आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इससे क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे जॉइंट होते हैं, तो हमारे जॉइंट ओपन होते हैं, जिससे उन पर स्ट्रेच कम होता है, उनका फ्रिक्शन कम होता है, हमारा पेन सबसाइड होता है। तो इस तरह से आप 10 सेकंड के लिए प्रयास करें, शुरुआत में 5 कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 10, जैसे कि 1, 2, इस तरह से आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे और यह करेंगे आपको 10 टाइम। देन फ्रेंड, इसके बाद में आप थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आप अपने पैरों के बैठ जाइए। जिनको ऑर्थराइटिस वाली समस्या है वो नहीं बैठे, बाकी जिनको कोई समस्या नहीं है वो आराम से। अब इस तरह से हाथों को आगे खींचते हुए आपको गर्दन को नीचे की ओर रखना है, और इसी पोजिशन को आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इससे फ्रेंड हमारे जॉइंट ओपन होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जो ओबेस पेशेंट होते हैं, यानी मोटे लोग होते हैं, तो वेट की वजह से वो हमारे जो पेट है इस तरह से आगे की ओर लटक जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैक पे स्ट्रेच होता है और हमारा जो फेसेट है उस पर फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पर पेन बनता है। तो यहाँ पर आपको जो एंटीर, इसे बोलते हैं एंटीर पेल्विक टिल्टिंग, यानी इस तरह से ये चला जाता है, तो इसे हमें करेक्ट करना है। अब मैं आपको खड़े खड़े इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खड़े रहने पर हमसे ट्राई करें हमेशा पोजीशन को मेंटेन करने की। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जैसे कि ये एंटर पेल्विक टिल्टिंग इस तरह से है, अब बैक वेस्ट स्ट्रेच आ रहा, तो इसी को आप रिवर्स आपको करना है, जैसे कि ये जब एक्सरसाइज ये आप करते हो तो आपका पेट अंदर की ओर चला जाता है। इससे भी हमारा जो बैक पे जो हमारा पेशेंट जॉइंट है उसका स्ट्रेच कम होगा, जिसकी वजह से हमारा पेन सबसाइड हो जाएगा। तो इसको आप पोजीशन को आप मेंटेन करने की कोशिश करें, इसको 10 सेकंड के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। एक बार सामने से आप देख लें, इस तरह से आपको
अंदर की, जब आप अंदर की ओर करोगे तो आपका पेट अंदर की ओर चला जाता है, तो इससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। उसके अलावा फ्रेंड जो आपकी इंटरपेल्विक टिल्ट है उसको भी आप स्टेबिलिटी करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा फ्रेंड अगर आप लेटे लेटे करना चाह रहे हो तो आप हाथ को रखें नीचे की ओर, दूसरा आप टमी को, तो इस तरह से आपको इसको ऊपर की ओर करना है, यानी कि आपका एब्डोमिनल अंदर की ओर जाएगा और ये हमारा इंटरपेल्विक टिल्ट को करेक्ट करने की एक्सरसाइज। इस तरह से आप 10 सेकंड होल्ड करें और ये करना है आपको 10 टाइम, यानी ऐसा नहीं है आपको यूँ आप लिफ्ट करने लगो, नहीं। ये इसके बाद में फ्रेंड जब ये एक्सरसाइज आपसे कंफर्ट में होने लगती है उसके बाद में हम करेंगे आप कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को रखते हुए आप इस तरह से आपको इस पोजिशन को मेनटेन करना है, ये 10 सेकेंड के लिए आप कर सकते हो और इसको 10 टाइम कर सकते हो। ऐसा नहीं आप इस तरह से कोर स्टेबिलिटी को इस तरह से कर रहे हो और पता चल रहा है आपको बैक पे स्ट्रेच बढ़ रहा है, नहीं, हमारे जॉइंट को ओपन रखना है आपको और इस तरह से आपको होल्ड करने का प्रयास करना है। ये होती है कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। फ्रेंड ये तो होती है हमारी फेसियल जॉइंट आर्थोपेडिक एक्सरसाइज। फ्रेंड ध्यान रखिए अगर किसी एक्सरसाइज आपको पेन बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को आप स्टॉप कर दें, हो सके तो आप फिजियोथेरेपी की गाइडलाइन में अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ मोडिलिटी हम यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके मसल स्पाज़ में अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर लॉन्ग वेव डायथेरेपी होगी। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ट्रैक्शन का, क्योंकि ट्रैक्शन से भी जब स्ट्रेच होता है तो काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, जो कि आपके जैसे कि बल्जिंग डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क है, तो उनमें भी काफ़ी आपको रिलीफ देती है। उसके अलावा फ्रेंड आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से ये भी आप सलाह कर सकते हैं कि मेरे को हॉट फॉर्मेटेशन करना चाहिए या मेरे को आइस पैक करना चाहिए, जो कि आपको जैसे कि मसल स्पाज में उसको रिलैक्स करने में काफ़ी अच्छा रोल होता है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए इस तरह की हेल्दी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।